यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के लोगों के लिए एक और बड़ी खबर है। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सूबे की जनता के लिए एक और बड़ी कोशिश की है। अनिल बलूनी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से उत्तराखंड के लिए 2 जनशताब्दी ट्रेनों के संचालन की मांग की है। बलूनी ने कोटद्वार से दिल्ली और टनकपुर से दिल्ली के लिए जनशताब्दी ट्रेनों के संचालन की मांग की है। बलूनी की मांग पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया है। तो रेल मंत्री अनिल बलूनी ने 2 जनशताब्दी ट्रेन चलाने की मांग की और जिसके बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके उनको भरोसा दिलाया कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने जो मांग की है उस पर वो गौर करेंगे। तो कोटद्वार से दिल्ली के लिए जनशताब्दी की मांग की है, टनकपुर से दिल्ली के लिए जनशताब्दी की मांग की है, 2 जनशताब्दी ट्रेनों के संचालन की मांग रेल मंत्री से की है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने। और अनिल बलूनी की मांग पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट भी किया है। पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में लिखा कि राज्यसभा सांसद जी ने उत्तराखंड से बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 2 जनशताब्दी ट्रेन चलाने का आग्रह किया है। मैंने आश्वस्त किया है कि रेलवे इन ट्रेनों की व्यवहारिकता को देखते हुए इन पर प्राथमिकता से काम करेगी। तो ये जवाब दिया रेल मंत्री ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मांग पर। 2 जनशताब्दी ट्रेनें चलाने की मांग की थी उन्होंने, कोटद्वार से दिल्ली और टनकपुर से दिल्ली, जिसके बाद रेल मंत्री ने ट्वीट करके उनकी बात का जवाब दिया। आदरणीय पीयूष जी, हमारे यहाँ कोटद्वार एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ से दिल्ली के लिए एक अच्छी ट्रेन चल सके इसकी अति आवश्यकता है। इसी प्रकार से टनकपुर से दिल्ली के लिए एक अच्छी ट्रेन की आवश्यकता है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इन दोनों स्थानों से, यानी कि कोटद्वार से दिल्ली और टनकपुर से दिल्ली, एक जनशताब्दी एक्सप्रेस चल सके तो यहाँ के लोगों को बहुत लाभ होगा। इसलिए मैं आज आपसे इन 2 जनशताब्दी ट्रेनों की मांग करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये दोनों ट्रेनें उत्तराखंड को अवश्य देंगे। बलूनी की मांग पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया है। तो रेल मंत्री अनिल बलूनी ने 2 जनशताब्दी ट्रेन चलाने की मांग की और जिसके बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके उनको भरोसा दिलाया कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने जो मांग की है उस पर वो गौर करेंगे। तो कोटद्वार से दिल्ली के लिए जनशताब्दी की मांग की है, टनकपुर से दिल्ली के लिए जनशताब्दी की मांग की है, 2 जनशताब्दी ट्रेनों के संचालन की मांग रेल मंत्री से की है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने। और अनिल बलूनी की मांग पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट भी किया है। पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में लिखा कि राज्यसभा सांसद जी ने उत्तराखंड से बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 2 जनशताब्दी ट्रेन चलाने का आग्रह किया है। मैंने आश्वस्त किया है कि रेलवे इन ट्रेनों की व्यवहारिकता को देखते हुए इन पर प्राथमिकता से काम करेगी। तो ये जवाब दिया रेल मंत्री ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मांग पर। 2 जनशताब्दी ट्रेनें चलाने की मांग की थी उन्होंने, कोटद्वार से दिल्ली और टनकपुर से दिल्ली, जिसके बाद रेल मंत्री ने ट्वीट करके उनकी बात का जवाब दिया। आदरणीय पीयूष जी, हमारे यहाँ कोटद्वार एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ से दिल्ली के लिए एक अच्छी ट्रेन चल सके इसकी अति आवश्यकता है। इसी प्रकार से टनकपुर से दिल्ली के लिए एक अच्छी ट्रेन की आवश्यकता है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इन दोनों स्थानों से, यानी कि कोटद्वार से दिल्ली और टनकपुर से दिल्ली, एक जनशताब्दी एक्सप्रेस चल सके तो यहाँ के लोगों को बहुत लाभ होगा। इसलिए मैं आज आपसे इन 2 जनशताब्दी ट्रेनों की मांग करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये दोनों ट्रेनें उत्तराखंड को अवश्य देंगे।